नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। जनरल नॉलेज की बात की जाए तो आज बड़े बड़े लोगों को इसके लिए काफी तैयारी और मेहनत करनी पड़ती है, तब भी लोगों को कई बातें याद नहीं रहती। राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों और इतिहास से लेकर इतिहासकारों के नाम बहुत जल्द दिमाग में नहीं बैठते। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी गूगल गर्ल है जिसके पास हर मुद्दे की जानकारी है। जी हाँ, जिस बच्चे से हम आपको मिलवाएंगे उस बच्चे की उम्र महज 6 साल है। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बात सही है। इस बच्चे के हुनर को देखकर सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र भी हैरत में पड़ गए। जिस उम्र में बच्चे 1 घंटे पहले की बात भूल जाते हैं, उस उम्र में इस गूगल गर्ल को सदियों पुराना इतिहास याद है। 6 साल की इस बच्ची का नाम है आर्या प्रकाश श्रीवास्तव, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं लाइव सीधे। उनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। आर्या, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आर्या के साथ उनकी माता भी जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी श्रीवास्तव। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आर्या, सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आर्या, सबसे पहला सवाल यही है मेरा आपसे कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें याद कर लूं, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपके साथ की उम्र के बच्चे तो खेलने कूदने में मदमस्त होते होंगे। तो बताइए, कैसे आपने सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें याद करूं? मैम, ये तो प्रोग्राम मेरा ही था कि लेट्स ट्राई, कि कुछ देखते हैं कि बच्चे का मेमोरी चूंकि फ्रेश होता है स्टार्टिंग में, तो आई स्टार्टेड इट फर्स्ट। लेकिन आर्या, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट इसमें कितना ज्यादा है। क्या आपको अच्छा लगता है ये जो आप पढ़ती हैं, गूगल मैप में आप सर्च करती हैं, इसके अलावा आप लैपटॉप्स को यूज करती हैं गुड़ियों से खेलने की बजाय, आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं ये? जी मैम। तो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है इसमें, आपको क्या पसंद है इसमें सबसे ज्यादा? जी हमें लैपटॉप पसंद है। लैपटॉप पसंद है। आर्या, आप क्या क्या याद कर लेती हैं? काफी सुना है आपके बारे में कि आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, तो कुछ जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनको बताएंगे आपको कैसे चीजें याद होती हैं? आप क्या खाती हैं, आपका पूरा शेड्यूल क्या है, आप उठने के बाद ऐसा क्या करती हैं जो आपको चीजें याद हो जाती हैं? जी मेरी मम्मी याद कराती हैं। जी तो कैसे याद कराती हैं आर्या आपको? मम्मी याद कराती हैं। मम्मी कैसे याद कराती हैं? आप ऐसा क्या खाती हैं? प्यार से सिखाती हैं पढ़ा करके। जी चलिए, कुछ आर्या आपसे कुछ सवाल करती हूँ मैं। जरा मैं भी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसे आपको फटाफट चीजें याद हो जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल के नाम आप जरा बताएं। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, ऐजवाल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, अंडमान निकोबार, बोर्ड ब्लेयर, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दादरा है नगर हवेली, सिलवासा, दमन, न्यू दमन, दिल्ली, न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप, कवरात्री, पुदुचेरी, पुदुचेरी। तो स्टेट कैपिटल्स के साथ साथ आपको यूनियन टेरिटरीज भी याद है। इसके अलावा आर्या, हमने ये भी सुना है कि आपको भारत के जितने भी नदी हैं उनके नाम भी याद है, जरा वो भी हमें बताएं आप। 84 घाट्स ऑफ वाराणसी, रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना, नर्मदा, कावेरी, महानदी, तप्ती, कृष्णा, सतलज, चेनाब, झेलम, कोसी, बीस, चंबल, घाघरा, गोमती, रामगंगा, इंद्रावती, पेन्ना, पद्मा, लूनी, पेरियर, कावेरी, मूसी, इमरावती, बराद, वेगी, श्योक,
कोइना शिप्रा नोयाल महानंदा सोन अर्कावती ब्रह्मानी। आर्या, इन सारे रिवर्स में से आप कौन कौन से रिवर्स के पास जाकर घूमी है और आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा रिवर कौन सा लगा जिसके बारे में आपने और भी ज्यादा पढ़ा है? गंगा में घूमे। गंगा में पूरा 84 घाट घूमी है आप? गंगा रिवर घूमी है जी। हाँ। कौन कौन से घाट है 84 घाट? 84 घाट। 84 घाट्स के क्या क्या नाम है? 84 घाट वाराणसी, 80 घाट गंगा महल घाट, 84 घाट वाराणसी, 80 घाट गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, बदेनी घाट, जानकी घाट, माता नंदमय घाट, वशराजा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पचकुटा घाट, सिंह घाट, रीनाजिनी घाट, माता नेवानी घाट, शिवाला घाट, गुलारी घाट, डंडे घाट, हनुमान घाट, प्राची हनुमान घाट, कर्नाटका घाट, हरिशन घाट, लाली घाट, विजय वगरों घाट, केदार घाट, चौकी घाट, सुमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, खोरी घाट, पांडे घाट, सर्वेश्वर घाट, दिक्पत्य घाट, चौसट्टी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अलीलियाबाद घाट, शीतला धाम, रशमी घाट, प्रयाग घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मान मंदिर घाट, त्रिपु भैरवी घाट। ठीक है आप तो एकदम नॉनस्टॉप बोले जा रही हैं आर्या, शायद आपके सामने बड़े बड़े फेल हो जाए। लेकिन लक्ष्मी जी, मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगी कि आप ऐसा क्या खाएं जो आर्या इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और ऐसे में आर्या इन चीजों में ए नंबर पर है, ए ग्रेड, ए प्लस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा यही है कि सब कुछ नॉर्मल है मैम, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मतलब दिमाग पे हम लोग प्रेशर देते हैं, लेकिन रूटीन सारे फूड के सेम ही सेम है नॉर्मल बच्चों की तरह, ऐसा कुछ भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं है मैम। मेन ये है कि फालतू चीजों से हम लोग कट ऑफ बहुत रखते हैं, सोशल में भी जो इम्पोर्टेंट है वही करते हैं और टीवी मेन तो ये है कि टीवी, सीडी, गेम्स कुछ भी नहीं पता बच्चों को, सिर्फ वो पढ़ाई करते हैं। और इन जो गेम्स भी है बड़ा इंटेलेक्चुअल सा गेम है कि हम एक कंट्री का नाम बोले वो एक कंट्री का नाम बोले, हम एक फूल का नाम बोले वो एक फूल का नाम बोले, प्लस नेचर से काफी हम लोगों ने अटैच हो रखा है, बर्ड्स को खिलाना और गार्डनिंग वगैरह हम लोग का शौक है, तो टीवी की कमी तो नहीं खलती है, दिन पूरा मतलब वेल स्पेंट हो जाता है जी। लक्ष्मी जी, आज के इस दौर में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटी उम्र में मोबाइल फोन में घुस जाते हैं और वो चीजें उन्हें पता होती हैं जो बहुत बड़े लोग नहीं ऑपरेट कर पाते हैं, लेकिन आर्या एक ऐसी बच्ची है जो लैपटॉप्स में रहती है, जो गूगल मैप्स में रहती है, अटलास खोलकर बैठती है, इसके अलावा जो भी इतिहास की किताब है वो खोलकर पढ़ती है, तो ये टैलेंट कहाँ से आया आर्या में? क्या आपके फैमिली में पहले से ही कोई ऐसा था? था नहीं मतलब है, अभी तो एक मेरी बड़ी बेटी बीए पीसीएम कर रही है 12th में है, तो मेन बेसिकली स्टडीज तो हमने उसी के लिए स्टार्ट किया था, मैप्स वगैरह गिफ्ट करना, ग्लोब गिफ्ट करना, जैसे कि मैंने बताया कि जैसा ये है वैसे इसकी बड़ी बहन भी है, तो हम लोग के गेम्स ही बड़े मतलब ग्लोब में ही होते थे, मैप में ही होते थे, तो ये था कि 1 ईयर जो आप जीके पढ़ने में स्पेंड करोगे आने वाले एग्जाम्स के लिए तो क्यों ना हम उसको डे टू डे याद करें जी, तो डे टू डे याद करने के चक्कर में वो एक गेम ही हो गया, वो एक लाइफ हो गया, वो एक स्टडी हो गया जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा शेड्यूल है जो आपने आर्या का बना रखा है और आगे जितने भी फैमिलीज हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर उतरते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चों को कंट्रोल करना शायद बहुत मुश्किल है और जिस तरीके से आर्या पढ़ लिख रही है वैसे में मुझे लगता है कि जो इसका सपना है IPS बनना, आर्या आप क्या बनना चाहती हैं? जी मैं IPS बनना चाहती हूँ। तो आप IPS ऑफिसर बनने के बाद क्या IPS? करेंगी? क्यों बनना चाहती हैं? क्यों बनना चाहती हैं आप? आपने किसे देखा IPS ऑफिसर के तौर पर? आप किसे अपना आइडल मानती हैं? आप किसको देखकर वैसा बनना चाहती हैं? जी इनकी बड़ी सिस्टर को IAS बनना है तो ऑब्वियसली इनको IPS बनना है, मतलब बड़ी बहन ही इनकी प्रेरणा स्रोत है जी। और दोनों मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चल रहे हैं जी। और टारगेट हम देते हैं कि तुम दोनों को मैं ये दे रही हूँ मैटर, जो पहले याद कर लेगा, तो ऑब्वियसली छोटी सी कर लेती है उसको स्टडीज के साथ साथ, लेकिन दैट इज फ्रूटफुल फॉर हर, जो भी ये याद करती है वो बड़ी बहन के लिए ही मतलब स्पेशली हम लोग कंसंट्रेटेड रहते हैं जी।
तो आर्या का पढ़ने के साथ साथ बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट है, ऐसा हमें जानकारी मिली है कि आर्या सिंगिंग और डांसिंग में भी बहुत ज्यादा माहिर है। इस आर्या, अब आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि आपको सिंगिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको कौन सी सिंगर पसंद है और उनका कोई एक गाना आप गाकर सुनाएं। जमुना के तट पर नचाते कन्हैया, छीछी छूम छीछी छूम 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 छननन, दिख दादिक दिख थे दिख दादिक दिख थे दिख दादिक दिख थे। तो आर्या, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बिल्कुल, तो आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, आप पढ़ लिख भी अच्छा लेती हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज और उनके कैपिटल्स बताएं आप। अफगानिस्तान, काबुल, आर्मेनिया, एडिवान, अजरबैजान, बाकू, महेनिन, बनामा, बांग्लादेश, ढाका, भूटान, थिम्पू, बुनई, बंदसेदी, कंबोडिया, फ्रोमपेन, चाइना, बीजिंग, साइप्रस, निकोसिया, जॉर्जिया, डिप्लिसी, इंडिया, न्यू दिल्ली, इंडोनेशिया, जकार्ता, ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद, इसराइल, ह्यूस्टन, जापान, टोक्यो, जॉर्डन, अम्मान, कजाकिस्तान, अस्थाना, कोजोवा, प्रिस्टिना, लैटविया, रिगा, लिएस्टेनस्टीन, वाडूस, लिक्वानिया, विल्नियस, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, मैकेडोनिया, स्पोर्ट्स, माल्टा, वालेटा, माल्डोवा, चीसिनाउ, मोनाको। आर्या, आप बनारस में रहती हैं, बनारस की बेटी हैं आप, और बनारस कई सारी चीजों के लिए फेमस है, लेकिन बनारस के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? 6 साल की उम्र में आपने बनारस को कितना जाना है, आप ये बताइए। वाराणसी, बनारस या कहीं काशी, जिनके और भी पुरातन नाम रहे हैं, जैसे अभिमुक्त क्षेत्र, रुद्रवास, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूमि, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन, ब्रह्मावर्त, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी, विश्वनाथ नगरी, सुदर्शन, रम्य और काशी। बिल्कुल। एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं, तीनों लोक में, जी 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 बोलिए, तीनों लोक से समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी। वेद व्यास जी एक गद्य में कहते हैं, गंगा तरंग रमणीय, जात कल्प राम, गौरी निरंतर विभूषित, वाम भागम नारायण प्रियम, अनंग मदापहराम, वाराणसी पुरा पतिम, भज विश्वनाथम। वाराणसी नाम का उद्गम संभवत यहाँ के दो नदियों वरुणा नदी एवं अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना है। गंगा तट पर बसी काशी की स्थापना स्वयं हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं के सप्तपुणियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सभी हिंदी ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। काशी नरेशों की सूची, श्री मनसाराम, श्री बलवंत सिंह, श्री चैत सिंह, महित नारायण सिंह, महाराजा उदित नारायण सिंह, महाराजा श्री ईश्वरी नारायण, श्री प्रभु नारायण सिंह। ठीक है आर्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं रोकूंगी तो आप बोलते जाएंगी और फिर मेरे ही सवाल आपके लिए कम पड़ जाएंगे। लेकिन आर्या, एक जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये कि क्योंकि आप बनारस की रहने वाली हैं और गंगा से आपका एक अलग ही नाता भी होगा, लक्ष्मी जी क्या मैं ठीक कह रही हूँ, और गंगा की उत्पत्ति को लेकर आप क्या कुछ जानती हैं आर्या? जी 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 मैं देवी सुरेश्वरी भगवती गंगी, त्रिपुवन तारे तर तरंगे, शंकर मुनि बिहाने विमली, मामा मती रास्ता तबो पल कमले, जय माँ गंगे। मैं आर्या प्रकाश, गंगा माता की आराधक, आज आप सभी को शिवरात्रि और गंगा महोत्सव की पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज आपके समक्ष माँ गंगा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो गंगोत्री हिना से उत्तराखंड से उत्पन्न हो। कुल मिलाकर आज एक आखिरी सवाल है आपसे, आपको जो लोग सुन रहे हैं, आपकी उम्र के बच्चे हो, चाहे वो अन्य पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं, अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगी?
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्मी जी, ये सारा क्रेडिट आपको ही जाता है जो आप इतना ध्यान देती हैं आर्या पर समय समय पर, और इसके साथ ही आज के दौर में जो छोटे बच्चे हैं खासतौर पर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है, बावजूद इसके आर्या जैसी टैलेंटेड बच्ची, और हम सब यही कामना करते हैं कि इसका जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा उज्ज्वल हो और भी ज्यादा ऊंचाई पर जाए। आप लोगों ने हमें समय दिया आर्या, बहुत शुक्रिया आपका भी। लक्ष्मी जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू मैम। तो जिस तरीके से आपने देखा, एक होनहार बच्ची, तेज बच्ची, जिसे गूगल गर्ल के नाम से अब जाना जा रहा है, ऐसे ऐसे टैलेंट है उसमें जो शायद इस समय में बहुत ज्यादा बाहर निकलकर नहीं आए, लेकिन आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा इसके टैलेंट को देखा जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।